कहाँ? गौरव भाई इधर राघव जी विलंब के लिए थोड़ा आपसे क्षमा चाहते हैं एक बार और। आज भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से अरुण जेटली जी को बुलाकर अपना मैनिफेस्टो, जिसको उन्होंने आज संकल्प पत्र या कुछ ऐसा नाम दिया है, पिछला घोषणा पत्र था जिसमें वो विफल हुए, तो आप संकल्प करने की प्रयास कर रहे हैं। अरुण जेटली जी को बाहर से बुलाया गया था, उनको वहां वैसे भी ज्यादा आजकल गतिविधियां उनकी कम है क्योंकि सारा काम प्रधानमंत्री स्वयं देखने की चेष्टा करते हैं। तो जो इनका संकल्प पत्र था उसका सिलसिलेवार, उसकी पोल खोलने का के लिए आज हमने माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है, उनको बुलाया, उनसे निवेदन किया कि आप इनका उत्तर बखूबी दीजिए। और ये बखूबी उत्तर देने के लिए जाने जाते हैं। मैं रणदीप सिंह जी से निवेदन करता हूं कि अपनी वार्ता शुरू करें। शुक्रिया पवन जी, आदरणीय पवन जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, रोहन जी, संदीप जी, सभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे साथी और पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले मैं अभिवादन कर अपनी बात की शुरुआत करूंगा। हम यहां जवाब देने नहीं आए, सच्चाई बताने कर आए। भाजपा का संकल्प पत्र है, वो उसे संकल्प पत्र कहें पर वो है प्रपंच पत्र। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। भाजपा बन गई है झूठों की फौज जो कर रही है जुमलों पर मौज। कांटे बोकर जमीन से हिसाब मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और छलावा पत्र पेश किया, जिसको पेश करने के कर्णधार थे झूठों के सरदार ब्लॉक मंत्री श्री अरुण जेटली, क्योंकि वो वित्त मंत्री तो रहे नहीं, और जनता द्वारा पहले से ही खारिज कर दी गई श्रीमती वसुंधरा राजे। काश पिछले 665 वादों का यथार्थ हिसाब भी दे देते। आदरणीय मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची बन गया है भ्रष्ट झूठी पार्टी। जनता कह रही है कि भाजपा के दो ही प्रकार, भ्रष्टाचार और इश्तिहार, और राजस्थान को अब नहीं एक बार। वसुंधरा सरकार को आज पेश किए गए, वसुंधरा सरकार द्वारा आज पेश किए गए छलावा पत्र की बजाय माफी पत्र राजस्थान की जनता को पेश करना चाहिए था। छलावा पत्र के कुछ पहलू
और जनता का जवाब, उस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किसान, झूठ की बुआई, जुमलों का खाद, किसान से धोखा और वादे नहीं याद। आज किसान को 250 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड और एक विशेष सेटअप के माध्यम से कर्ज राहत की चर्चा सबसे मुख्य तौर से की गई। किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया, पर सच्चाई क्या है? वित्त मंत्री शायद ये बताना भूल गए कि उनके अपने कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको जारी कर रहा हूं, राजस्थान का 62% किसान परिवार कर्ज के बोझ के तले दबा है। ये हम नहीं कह रहे, वो वही वित्त मंत्री कह रहे हैं जो आए थे। मोदी जी, जेटली जी और वसुंधरा जी, अगर एक मुट्ठी भर उद्योगपतियों का 2,63,000 करोड़ कर्ज माफ कर सकते हैं, तो आज सीधे सीधे राजस्थान के 5 करोड़ किसानों का क्यों नहीं? और ये भी मैं नहीं कह रहा, जेटली जी ने संसद के जवाब में स्वयं कहा, मैं उसकी प्रतिनिधि भी आपको जारी कर रहा हूं। दूसरा पहलू, 250 करोड़ के किसान स्टार्टअप फंड से कर्ज राहत की बात तो करते हैं, पर शायद महलों में रहने वाली आदरणीय मुख्यमंत्री जी और झूठों के सरदार बने ब्लॉग मंत्री जी ये भूल गए कि 5 करोड़ किसान आज राजस्थान में हैं। 250 करोड़ के हिसाब से 50 रुपया प्रति किसान के हिस्से आएंगे, तो 50 रुपए की राहत देकर अपनी पीठ थपथपाने वाले ब्लॉग मंत्री और महलों की रानी आदरणीय मुख्यमंत्री जो जाने वाली हैं, जिनकी विदाई का समय आ गया है, उनको हम यही कहेंगे कि ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं तो क्या है? ये किसान से क्रूर मजाक है। आज किसानों की आय दुगना करने का और उन्हें लाभ करने का जुमला तो दे डाला, पर सच ये है कि राजस्थान में किसान को आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी नहीं मिला। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1950 रुपया क्विंटल, राजस्थान के किसान का बाजरा लूटा 1,250 रुपए क्विंटल में। किसान के लहसुन की फसल राजफेड ने, राजस्थान फेडरेशन ने 3,257 रुपया क्विंटल में खरीद का दावा किया, पर कोटा की होलसेल मंडी में जाकर पता करिए, वो 2 रुपए किलो या 200 रुपए क्विंटल में पिटी। पूरे राजस्थान में कहीं भी लहसुन का औसतन भाव 3,257 तो बहुत दूर, 1,400 रुपए क्विंटल से अधिक किसान को नहीं मिला। मूंग का MSP था 6,950 रुपया क्विंटल और फसल पीटी 5,500 से 5,800 रुपए क्विंटल में। ज्वार का MSP था 2,430 रुपए क्विंटल, फसल बिकी 1,800 रुपए क्विंटल में। उड़द का MSP था 5,600 रुपया क्विंटल, राजस्थान में फसल बिकी 2,900 रुपए क्विंटल में। और गेहूं की MSP था 1,735 रुपए क्विंटल और राजस्थान के किसान को मिला 1,500 से 1,600 रुपए क्विंटल। और ये सब क्यों हुआ जेटली जी, वसुंधरा जी, ये क्यों हुआ? एक उदाहरण पेश करूंगा। 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुई राजस्थान में और राजस्थान सरकार ने खरीदी मात्र 4,000 मीट्रिक टन। मंडियों के भाव, दलालों के भाव अगर किसानों को बिकवाएंगे तो उसे मिलेगा क्या? 1,54,000 मीट्रिक टन लहसुन राजफेड ने खरीदना था, पर खरीदा 1% यानी 1,482 मीट्रिक टन। यही बाकी फसलों का भी हाल हुआ। आजादी के 71 वर्षों में पहली बार
इन्हीं माननीय अरुण जेटली जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वसुंधरा जी ने पहली बार खेती पर टैक्स लगाया। जेटली जी और वसुंधरा जी बताइए कि आज खाद पर 5% जीएसटी नहीं? क्या किसान के ट्रैक्टर और खेती के सभी उपकरणों पर आज 12% जीएसटी नहीं? क्या आज कीटनाशक दवाई पर किसान के 18% जीएसटी नहीं? क्या अगर किसान ट्रैक्टर के टायर खरीदने जाए तो उस पर 18% जीएसटी नहीं? परंतु ये बताना तो भूल गए इसके लिए कौन जिम्मेवार है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना, इसीलिए छलावा पत्र में, प्रपंच पत्र में उसकी चर्चा नहीं की। खरीफ 2016, रबी 2016-17 और खरीफ 2017 में, यानी इन तीन सीजन्स के अंदर राजस्थान के किसान ने फसल बीमा का प्रीमियम दिया, और मैं ये नहीं कह रहा है, भारत सरकार की वेबसाइट कह रही है, 4,424 करोड़ रुपए, और किसान को मिला मुआवजा 2,919 करोड़ रुपए। यानी राजस्थान के किसान के हक से ही 1505 करोड़ रुपए का मुनाफा बीमा कंपनियों ने कमा लिया किसान के आधार पर, और पूरे देश में 16,000 करोड़ रुपया 2 साल में फसल बीमा योजना से इन प्राइवेट बीमा कंपनियों ने कमाया। और न्याय मांगने वाले किसान को रानी की सरकार ने सीकर में, बारा में, कोटा में पुलिस की लाठियों से पीटा। और सितंबर 2018 में तो जब गौरव यात्रा, गौरवशाली ना बन, प्रभावशाली ना बन, बिल्कुल मुद्दा विहीन बन गई और जनता से खारिज कर दी गई, तो एक खिसियाई हुई मुख्यमंत्री ने सितंबर 2018 में गंगानगर में किसानों पर इरादा एक कत्ल दफा 307 तक के मुकदमे दर्ज करवा दिए, जब वो किसान की के साथ न्याय मांग रहे थे। दूसरा पहलू, आज 50 लाख रोजगार देने का राजस्थान के युवाओं से वादा कर डाला। पिछला जुमला भूल गए, साल 2013 में वसुंधरा जी ने 15 लाख रोजगार हर साल देने का वादा कर, और 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता हथियाई थी। उनका क्या हुआ? उनकी सच्चाई ये है आदरणीय मित्रों कि देश में पिछले 20 साल में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है, 6.6%, और राजस्थान में 100% अधिक है उससे, 13.7%। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है जिसका लिंक मैं आपको दे रहा। राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC ने 2014 से 2017 में 1,27,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी, पर प्लेसमेंट मिली मात्र 9,904 को। ये CAG की रिपोर्ट है। CAG की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आज राजस्थान में 33 लाख से अधिक बेरोजगार हैं, और जब राजस्थान के युवक, युवती, नौजवान वसुंधरा जी से रोजी रोटी की गुहार मांगने जाते हैं, तो 19 जनवरी 2017 को वसुंधरा जी उन्हें लफंगा कहकर अपमानित करती है। 5 साल में हर साल 15 लाख रोजगार देने की बजाय मात्र 1.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, उनमें से 1,10,000 के इश्तहार 2013 में कांग्रेस की सरकार ने निकाले थे। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप 50 लाख रोजगार देने की बात करती हैं। और तीसरा, राजस्थान किया कर्जदार, अर्थव्यवस्था तार तार। वित्त मंत्री जी, जेटली जी और वसुंधरा जी ने बड़े बड़े दावे तो कर डाले, परंतु यह बताना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने राजस्थान के खजाने को कर्ज के बोझ में डुबो दिया है। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो राजस्थान का कर्ज था 1,15,000 करोड़। 2018 में 5 साल पूरा होने के बाद राजस्थान का कर्ज है 3,08,000 करोड़। 5 साल में वसुंधरा जी की सरकार ने 1,93,000 करोड़ का कर्ज अधिक ले लिया। यानी राजस्थान के हर जिले पर आज 9,333 करोड़ का कर्ज है।
राजस्थान के 200 में से हर विधानसभा क्षेत्र पर 1540 करोड़ का कर्ज है और राजस्थान के हर नागरिक पर 45,294 करोड़ रुपए का कर्ज है। बात कर दी आज फिर भामाशाह स्कीम की, कहा बड़ा लाभ हुआ और लाभ देंगे, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार और ऐसी है वसुंधरा सरकार, और ये हम नहीं कह रहे, ये वही जेटली जी कह रहे हैं जो आए थे। मोदी सरकार के नीति आयोग ने जो ताजा रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक 21 बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान दूसरे पायदान पर है, नीचे से, यानी 20वें नंबर पर है। नीति आयोग कह रहा है, भारत सरकार का, मोदी सरकार और जेटली जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान 21 बड़े राज्यों में 20वें नंबर पर है, निचले नीचे से दूसरे पायदान पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार की पोल खुद मोदी सरकार और जेटली जी के नीति आयोग ने खोल दी। राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जहां बेटियों की संख्या 893 से घटकर 861 प्रति हजार हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। तो क्या वसुंधरा जी और जेटली जी बताएंगे फिर भामाशाह योजना का फायदा मिला किसको? सच ये है कि हमने जो मुफ्त दवाई योजना, मुफ्त इलाज योजना शुरू की थी उसको बदलकर भामाशाह योजना बनाई, जो घोटाला ज्यादा और इलाज कम साबित हुई। न कैशलेस इलाज हुआ, न प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भर्ती, उल्टा प्राइवेट अस्पतालों का फ्रॉड और बगैर सुविधा के अस्पतालों की एनलिस्टमेंट बार बार पत्रकार मित्रों द्वारा जग जाहिर हुई। 5 साल से चिकित्सकों के 3,000 पद खाली पड़े हैं। और आज गरीबों से शुरू की जेटली जी और वसुंधरा जी ने बात, और कहा हमने बीमारू राज्य से खींच लिया। मैं केवल एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। सच ये है कि गरीब कर रहा हाहाकार और ऐसी रही भाजपा सरकार। जेटली जी और वसुंधरा जी गरीब के नाम पर घड़ियाली आंसू तो बहाते हैं पर सच्चाई नहीं बताते हैं। और सच्चाई ये है कि आज हार का मुंह देखकर आज गरीब मनरेगा मजदूरों की भी याद आ गई, पर यह बताना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में 100 दिन का रोजगार करने वाले राजस्थान के गरीब परिवारों को रोजगार ही नहीं मिला। 2013-14 में 4,46,000 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रति वर्ष मिलता था जब कांग्रेस की सरकार गई, आज ये घटकर आधी रह गई है। आज 2,26,000 परिवारों को वो रोजगार मिलता है, और आप बात करते हैं गरीबी हटाने की। दिसंबर 2013 में कांग्रेस सरकार 24,64,000 परिवारों को बुजुर्ग पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन देती थी। वसुंधरा जी आपने तो ऐसी गरीबी दूर की कि 8 लाख परिवारों की पेंशन ही काट ली, भाजपा सरकार उसे ग्रस्त कर गई, खा गई। 2 अक्टूबर 2013 को 1 रुपए किलो बाजरा, 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल की फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कांग्रेस की सरकार स्कीम लाई, 5,46,00,000 लोगों को लाभ हुआ। वसुंधरा जी गरीबी दूर करना तो दूर, 1,20,00,000 परिवारों को आपने उस स्कीम से महरूम कर दिया, और बात आप कर रहे हैं गरीबी दूर करने की। और सबसे आखिर में, क्योंकि बातें कई हैं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक शब्द भी ना वसुंधरा जी ने और ना जेटली जी ने महंगाई के बारे में कहा। सच्चाई यह है कि चारों तरफ महंगाई की मार और जनता कर रही हाहाकार। जेटली जी और वसुंधरा जी शायद भूल गए कि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में डीजल पर 11 बार, पेट्रोल पर 11 बार एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 447% बढ़ाई, पेट्रोल पर 224% बढ़ाई। वसुंधरा जी ने 4.5 साल तक डीजल पर 30% वैट और पेट्रोल पर 30% और डीजल पर 22% वैट लगाकर रखा, और चुनाव से 2 महीने पहले जब विदाई का समय आया तो फिर उसे 26% और 18% कर दिया। पर सच्चाई यह है कि 12 लाख करोड़ रुपया
अकेले भारत सरकार ने 4.5 साल में जनता की जेब पर डाका डालकर लूटा। जब 16 मई 2014 को दिल्ली से यूपीए कांग्रेस की सरकार गई तो याद करिए कच्चा तेल का $108 प्रति बैरल और डीजल की कीमत थी ₹55.41 प्रति लीटर। आज कच्चा तेल है $65 प्रति बैरल और डीजल की कीमत है ₹71.84 लीटर जयपुर में, यानी ₹16.43 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 16 मई 2014 को जब $108 कच्चा तेल था तो पेट्रोल की कीमत थी ₹71 लीटर। आज जब $65 प्रति बैरल कच्चा तेल है तो आज पेट्रोल की कीमत है ₹75.35 प्रति लीटर। गैस का सिलेंडर कांग्रेस छोड़कर गई थी ₹414 पे, आज वो छू रहा है ₹1000 पर। ये है हालत और वास्तविकता जनता की। और इसके अलावा वो सारी योजनाएं जिनकी चर्चा की, वो चाहे बिसलपुर बांध परियोजना हो, 5 साल पहले का घोषणा पत्र उठाइए, 5 साल पहले भी यही लिखा था। एक ऐसी सरकार जो जयपुर में मेट्रो फेज 1 के लिए जमीन का अधिग्रहण 5 साल में नहीं कर पाई, वो राजस्थान की भलाई क्या खाक करेगी। मैं इसलिए आदरणीय मित्रों, ये संकल्प पत्र नहीं परपंच पत्र है, छलावा पत्र है। आज जेटली जी और वसुंधरा जी को अच्छा होता कि वो राजस्थान की जनता से माफीनामा मांगते माफी पत्र के माध्यम से। प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। पिछली बार संकल्प पत्र में बीजेपी ने 15 लाख रोजगार का वादा किया था, अब की बार 50 लाख जो रोजगार की संभावना उपलब्ध कराने की बात की, अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। आदरणीय मित्र, एक पुरानी एक हिंदी फिल्म का गाना है, पर वो है सच्चाई, वो वसुंधरा जी पर लागू होता है। कस्मे वादे प्यार वफा, ये वादे हैं वादों का क्या, कोई नहीं है राजस्थान का भाजपा में, ये सब वादे हैं वादों का क्या। तो सच्चाई यही है, न 15 लाख दिए, न 50 लाख देंगी, न 1,50,000 पूरे दे पाए, क्योंकि उनमें से 1,10,000 तो हमने इश्तहार दिया था, और न बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दे पाए, क्योंकि वसुंधरा जी तो और भाजपा ही तो उन युवक और युवतियों को जो रोजगार मांगने जाते हैं उन्हें लफंगे की संज्ञा देकर अपमानित करते हैं। इसलिए इस प्रदेश के युवा जो कैप के मुताबिक 33 लाख हैं, पर उनकी संख्या उससे भी अधिक है, वो सब अब सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। सर, ये एक्शन ऑन 2.3 ओके, लेट्स जी, चलिए पहले उन्हें पूछो। इसमें पेज नंबर 47 पे एक शब्द आपने सुना होगा, गोरखधंधा। बीजेपी के लिए सत्ता में वापस आने पर गोरखधंधा शब्द पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि गोरखनाथ समुदाय की भावनाएं आरंभ होती है, जो कि अभी तक आया मुझे लगता है कि अपने प्रपंच पत्र में ये लिखना भाजपा के प्रपंच को जगजाहिर करता है। गोरखनाथ जी के सम्मान को पर कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है, यह असंभव है। सच यह है कि जब आज उस मठ पर विराजमान आदरणीय भोगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब योगी तो वो रहे नहीं, अब वो भोगी हो गए हैं, राजभोगी, तो आदरणीय राजभोगी आदित्यनाथ जब जनता की पुकार सुनना बंद कर दे, जब उन्हें मरते बच्चों की बीआरडी हॉस्पिटल में चित्कार और मां बाप की कराहट सुने ना, जब भोगी आदित्यनाथ के पास सैकड़ों बच्चों की 350 से अधिक बच्चों के लिए ऑक्सीजन के लिए 65 लाख रुपया भी ना हो, जब भोगी आदित्यनाथ जी को दलित साथियों में से बदबू आए, वो उन्हें साबुन और इत्र छिड़कवाकर नहलवाएं मिलने से पहले, जब भोगी आदित्यनाथ जी एक कर्मठ आईपीएस पुलिस अधिकारी
जो संयोग से ब्राह्मण समाज से थे उनके घर पर भाजपा के गुंडों से आक्रमण करवाएं, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनकी धर्मपत्नी बूढ़े मां बाप को प्रताड़ित करें, जब भोगी आदित्यनाथ के शासन में सहारनपुर में दलितों के घरों को आग लगवाएं और मुख्यमंत्री के मन में कोई पीड़ा ना जागे, तो स्वाभाविक तौर से इसी प्रकार के मुद्दा विहीन बातों को वो यहां भी आकर शामिल करवा रहे हैं। आप ध्यान मत दीजिए, ये हिंदी का एक शब्द है जैसा मैंने कहा। मैं आपके पास ही हूं, मुझे वैसे ही आपसे बहुत स्नेह मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। सच बात यह है मित्र कि महाराज गोरखनाथ का अपमान कोई विरोधी भी कल्पना में भी नहीं कर सकता। गोरखनाथ जी की शिक्षा, उनके संस्कार का अगर 1% भी भोगी आदित्यनाथ जी अपने जीवन में अपना लेते तो उत्तर प्रदेश का कल्याण हो जाता। तो इसलिए इस प्रकार के प्रपंच करने की बजाय जनसेवा करें तो बेहतर रहेगा। सर, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के साथ साथ ये घोषणा की है कि सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर 10 बोर्ड बनाने की घोषणा की है, उसमें ब्राह्मणों के लिए परशुराम बोर्ड की, इस बारे में आपने चर्चा की। देखिए, जिस सरकार की विदाई हो चुकी, अब उनके प्रपंच पत्र में लिखी बातों का कोई लाभ नहीं। इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र आएगा वो राजस्थान के लिए एक नई दृष्टि, सोच और रास्ते को लेकर आएगा। 5 वर्ष में वसुंधरा जी को किसने रोका था उस सोशल इंजीनियरिंग को क्रियान्वयन करने में? क्या किसी अदालत से स्टे था या जनता ने प्रतिबंध लगा रखा था? इसलिए राजनीतिक लॉलीपॉप देना बंद करिए। जब आप 5 साल सत्ता में थी तो 5 साल में आपने उस सामाजिक ताने बाने को की सुरक्षा के लिए काम क्यों नहीं किया? यह दर्शाता है राजनीतिक बेईमानी को। इसलिए राजनीतिक लॉलीपॉप से समाज का कोई वर्ग उनके प्रलोभन में आने वाला नहीं। He has been asking for some time. Let him ask first. First related to this, and I'll take other questions later. The first question is that what's the alternate model of Congress to pay farmers' loans? Another question is your reaction on Yogi Adityanath saying that Congress has sown the seed of communalism and communal politics. एक तो हरियाणा के आदमी से 2 सवाल एक बार में नहीं पूछते। मैंने पहले भी समझाया था, सीनियर आदमी से सलाह करता था, एक ही पूछते, दूसरा भूल जाता था और इंग्लिश में और दूसरा अंग्रेजी में पूछ रहे हो ऊपर। सो प्लीज आस्क क्वेश्चन अगेन बिकॉज आई फॉरगॉटन नाउ। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल है कि कांग्रेस के पास में क्या अल्टरनेट मॉडल है? जी अलग में आंसर है, आई रिमेम्बर माई फ्रेंड, इट लोन वेवर ऑफ फार्मर्स डजंट रिक्वायर ए मॉडल, इट रिक्वायर्स ट्रस्ट, रिजॉल्व एंड विलिंगनेस, ऑल 3 ऑफ विच वी हैव एज कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी हैज सेड। एंड लेट मी रिमाइंड यू 3 things. फर्स्टली, इट इज द कांग्रेस पार्टी लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हु एट द सेंटर हैड वेव्ड 72,000 crore ऑफ लोन ऑफ फार्मर्स as against Prime Minister Modi and Shri Arun Jaitley saying they don't have a single penny to help the loan waiver of farmers. Number 2, very recently, Congress party has waived in the adjoining state of Punjab loans of farmer up to 2 lakh rupees, the total amount of which will be 10,000 crores. Chief Minister Captain Amrinder Singh Ji, Finance Minister Manpreet Singh Badal Ji, and I think he'll be here soon, in next few days you can question him again, are going district to district giving loan waiver certificates. 3, the previous Karnataka government led by Shri Siddaramaiah
had waived loan of 8,500 crore of close to 9 lakh farmers. The current Congress Alliance government of Karnataka, of Congress and JD, we have waived loans of 44 lakh farmers, the total amount of which will come to 44,000 crores, which will include cooperative sector loan and other bankers' loan. And we have asked all the banks to give us certificates so that we can deposit the money. That is the willingness, that's the resolve, that's the trust and commitment that a political party has. The politically dishonest finance minister, he is politically dishonest, and even the prime minister is doing amanat mein khayalat. When they refuse to waive a single penny of loan of farmers and waive, as I have shown to you, this is finance minister's reply in parliament, 2,63,000 crore for a handful of industrialists. India's farmers do not need help and succor. Only a handful of Modi ji's friends need. That's a question that we need to ask. Thank you. Sir, ek baar pehle yahan wala raha hua hai. Aur koi mitra agar puchna chahe. Ji. Sir, I'll come to you. हमारे हिंदुस्तान के नेता कब तक देश को और फ्रांस को बर्बाद करते रहेंगे? आपका प्रश्न वाजिब है पर गलत आदमी से पूछा गया है. जेटली जी से पूछा जाना चाहिए था या मोदी जी या वसुंधरा जी. आप ही देश की और राज्य की राजनीति कर रहे हैं, आप ही राजनीति. मैंने इसीलिए कहा आदरणीय साथी, ये कांग्रेस का चरित्र नहीं, जिनका चरित्र और तरीका है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए. आपकी चिंता से मैं जोड़ता हूँ. आप बोलिए. ये एक ऐसी पार्टी और टेम्परेरी सरकार का प्रपंच पत्र है जिसकी विदाई तय है. इसीलिए मैंने कहा था कि अब यह है झूठों की फौज जो कर रही जुमलों पर मौज. परंतु राजस्थान की 7 करोड़ जनता अब जुमलों में आने वाली नहीं, क्योंकि वो वसुंधरा जी की और मोदी जी की सच्चाई जान गए. मेरा एक प्रश्न था, आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रेस वार्ता की थी दोपहर में. उन्होंने कहा हमने 200 सीटों पे सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए, फिर हमने मुख्यमंत्री का चेहरा भी सबसे पहले घोषित किया और संकल्प पत्र भी सबसे पहले और अब उनकी विदाई भी सबसे पहले होगी. सर सर आप तस्वीर रखिए, वहीं से पूछ लीजिए. सर एक सेकंड, ही सीनियर, लेट हिम फर्स्ट स्टार्ट. बीजेपी एक तरफ तो महिलाओं के लिए तीन तलाक, मुस्लिम महिलाओं के लिए उसका समर्थन करती है, दूसरी ओर सबरीमला में जाने के लिए उसको रोकती है. आपका आपके पार्टी का क्या है? व्हेन इट कम्स, जब महिलाओं की सुरक्षा का भाव सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच दो तरीके की है. एक है वो सोच जिसका जिसको प्रतिबिंब करते हैं प्रतिबिंबित करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब वो कहते हैं कि महिलाओं को, और लिखकर कहा था, महिलाओं को स्वतंत्र तौर से बाहर जाने का अधिकार नहीं और न ही कोई स्वतंत्र निर्णय लेने का. महिला को सदैव संरक्षण में रखा जाना चाहिए. या फिर पड़ोस के भाजपाई मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जब वो कहते हैं कि अगर युवक और युवती एक दूसरे से वार्तालाप करें तो बलात्कार हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दिया. या फिर भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग टिप्पणी करने वाले सम्मानित नेतागण, क्योंकि आज भी वो इस देश और प्रदेश की महिलाओं को सेकंड रेट सिटीजन मानते हैं. वो नहीं मानते कि महिलाएं पुरुष के बराबर हैं, ये उनकी मानसिकता में है. और दूसरा,
जहां तक महिला सुरक्षा का प्रश्न है, अगर आप यहां एक महिला मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते ही बेटियों की संख्या का अनुपात गिर जाए, यानी प्रति हजार बेटियों की संख्या कम हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है, और मेरे साथ ही आपको देंगे वो आंकड़े कि जिस प्रकार से अपराधों की संख्या 37% बढ़ गई भाजपा सरकार में, एक महिला मुख्यमंत्री हूं और अपराध 37% बढ़ जाए, ये भाजपा की मानसिकता का परिचायक है। तीसरा, पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हक में बयान दिया और बाद में वो बयान बदल लिया, तो ये प्रश्न वाजिब है पर पूछा उनसे जाना चाहिए, पर मैं ये कहूंगा कि ये महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। देखिए, हमारा ये मानना है ईश्वर सबके लिए बराबर है, पूजा का स्थान व्यक्ति धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ऐसा भेदभाव नहीं करते। सर, एक सवाल था, 26/11 का भी बर्थडे हमने कल मनाई थी और आज नवजोत सिंह सिद्धू लाहौर में जाकर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू को वहां पर डिस्कस करते हैं, रफाल बोर्ड, ये कहां तक बात करते हैं और कांग्रेस के लीडर हैं। आदरणीय मित्र, मैं मुझे उम्मीद थी शायद आपका चैनल 26/11 में मोदी जी के उस बयान को भी दिखाएगा, जब 26/11 में हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, जब 26/11 में नागरिकों को कत्ल किया जा रहा था, तो इस देश के एक मुख्यमंत्री ऐसे थे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, जो नीचे खड़े होकर राजनीति कर रहे थे। काश आपका चैनल ये भी बताता अपने दर्शकों को कि 26/11 में जिन दोषियों को सजा दिलवाने की बात किया करते थे, जिनके खिलाफ बाउंडी कांग्रेस की सरकार ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लगवाई थी, आज 4.5 साल बीत गए, आज वो खुले घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, परंतु मोदी सरकार ने कभी न पाकिस्तान से, न अमेरिका से, न उनके मित्र चीन से, न यूनाइटेड नेशंस में उसकी कभी चर्चा नहीं की। काश आपका चैनल यह भी दिखाता कि 26/11 हमले के लिए असल में जो जुम्मेवार थे आईएसआई, उस आईएसआई को मेहमान बनाकर पठानकोट टेरर अटैक की जांच के लिए मोदी जी और अमित शाह जी निमंत्रण देकर लाए थे, और अमित शाह जी ने उस कुख्यात उग्रवादी सरंगना संगठन की वकालत की थी कि हमें उनमें विश्वास है। काश आपका चैनल ये दिखाने का साहस भी जुटा पाता तो बहुत अच्छा होता आपके दर्शकों के लिए और देश के लिए, कि 26/11 के हमले के बाद, वो चाहे उरी का हमला था, चाहे वो पठानकोट का हमला था, चाहे वो नगरोटा का हमला था, बार बार उग्रवादी हमले होते गए, जो एक सर के बदले में 10 सर काटने की बात करते थे, उन्हीं के शासन में राजस्थान और हरियाणा के बेटों का सर भी कटता गया और आंखें भी निकालती गई, पर 56 इंच का सीना और लाल आंख कहीं नजर नहीं आई। काश आपका चैनल ये दिखाने का साहस भी करता कि 26/11 के हमले के बाद 4.5 साल में और उग्रवादी जो वारदात है उनकी संख्या लगभग 3,000 बार पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन किया, 414 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि हर बार मोदी जी जब बड़प्पन की बातें करते हैं तो एक शहीद का शव या राजस्थान आता है या पंजाब या हरियाणा, परंतु कभी मोदी जी उनके घर नहीं गए, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की जो केवल प्रदेश के मंत्री हैं उनकी राफेल की टिप्पणी पर सवाल उठाइए, परंतु ये साहस भी दिखाइए कि वो व्यक्ति जो 26/11 के हमले के दिन जब जनता और सैनिक मर रहे थे नीचे खड़े होकर राजनीति कर रहा था, 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया नक्सलवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, ये योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में
या फोन बज रहा है अजय सिंह बिष्ट जी को उर्फ भोगी आदित्यनाथ जी को हम केवल ये कहेंगे कि हमारे पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कांग्रेस का गोत्र है देश प्रेम, कांग्रेस का गोत्र है राष्ट्र सेवा, राहुल गांधी जी का असली गोत्र है भारतीयता और इंसानियत, राहुल जी का और कांग्रेस का गोत्र है कुर्बानी। वो गोडसे की विचारधारा के वंशज बने हैं तो बने रहें, हम गांधी के रास्ते पर चलते रहेंगे, हम गांधी की कुर्बानी बार बार देंगे ताकि ये देश चलता रहे। वो महात्मा गांधी हो, वो इंदिरा गांधी हो, वो राजीव गांधी हो, वो नंद कुमार पटेल हो, वो विद्याचरण शुक्ला हो, वो सरदार बेन सिंह हो या वो कोई और हो, क्योंकि इस देश की माटी जो पहला केसरिया रंग आपको दिखता है उसके अंदर कांग्रेस जनों का लहू आजादी से पहले और आजादी के बाद भी छुपा है। पर भगवा पहन आबंडर करने वाले, आडंबर करने वाले, प्रपंच करने वाले भोगी आदित्यनाथ जी कुर्बानी की परिपाटी को क्या जाने। धन्यवाद।